अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरी से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम दो स्मार्टफोन को कंपेयर करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास मौजूद है, Redmi Note 11 Pro और साथ में Poco X4 Pro, जो कि एक ही ब्रांड के आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी वीडियोस आपको इसके बारे में देखने को मिलेंगे, इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से देखेंगे और हमें इन में से कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, इन दोनों डिवाइसेस के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं दोनों स्मार्टफोन की तरफ और देखते हैं कि हमें इनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं Redmi Note 11 Pro के बारे में, जिसका डिस्प्ले साइज हमें 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और साथ में सुपर अमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा हमें सुपर अमोलेड पैनल दिया गया है। Poco X4 Pro के जिसमें हमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और साथ में आपको अमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। यहां पर क्या है कि हमें सुपर अमोलेड डिस्प्ले तो नहीं दिया गया, लेकिन यहां पर हमें अमोलेड पैनल दिया गया जो कि काफी हद तक हमें अच्छी ही वैल्यू देगा। अब यहां पर क्या है कि हम बात करेंगे दोस्तों इन फोन्स के रेजोल्यूशन साइज की, जो कि हमें दोनों स्मार्टफोन्स में 200 से ऊपर 2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन साइज देखने को मिल जाता है और यहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस वाइज की। जी हां दोस्तों, यहां पर क्या है कि हमारे स्मार्टफोन में अगर परफॉर्मेंस पावर वाली होगी तो हमारा सारा का सारा स्मार्टफोन अच्छा ही होगा, बाकी हमें कैमरा वाइज भी अच्छा देखने को मिले तो क्या ही बात है, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 11 Pro के परफॉर्मेंस की, जिसमें हमें Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और अगर बात की जाए चिपसेट, जिसमें MediaTek Helio G96 का देखने को मिलता है, जो कि बहुत पुराना है, जो कि हमें बहुत कम पावर वाला देखने को मिलता है और यहां पर हमें 12 नैनोमीटर देखने को मिल जाता है। आर्किटेक्चर जो है 12 नैनोमीटर के बेस पर इसका चिपसेट देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको बहुत कमजोर देखने को मिला है नैनोमीटर आर्किटेक्चर। अब यहां पर क्या है कि जितने नैनोमीटर कम होंगे उतनी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा नैनोमीटर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों Poco X4 Pro के, जिसमें हमें Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन चिपसेट की बात करते हैं इसमें हमें Qualcomm Snapdragon का 695 का देखने को मिलता है, जो कि बहुत पावर वाला देखने को मिल रहा है और 6 नैनोमीटर देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चर इसका 6 नैनोमीटर के बेस पर इसका चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत कम दिया गया और पावर बहुत ज्यादा दी गई है। जी हां दोस्तों, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि दोनों स्मार्टफोन में से हमें चिपसेट कौन सा दिया गया है। अच्छा जो है वो Qualcomm Snapdragon 695 है, जिसमें बहुत ही अच्छी आपको पावर देखने को मिलेगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों कैमरे वाइज की। जी हां दोस्तों, अब यहां पर Redmi Note 11 Pro के बैक साइड पर आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि मेन सेंसर आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, सेकंड हमें 8 मेगापिक्सल का और थर्ड हमें 2 मेगापिक्सल का। अगर बात की जाए सेल्फी शूटर की, जो कि हमें सिंगल ही देखने को मिलता है और 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं Poco X4 Pro की, जिसके बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है, जो कि मेन सेंसर आपको 108 मेगापिक्सल का, सेकंड हमें 8 मेगापिक्सल का, थर्ड हमें 2 मेगापिक्सल का और सेल्फी भी हमें सिंगल ही देखने को मिलता है, जो कि 16 मेगापिक्सल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमें कैमरे वाइज सेम ही देखने को मिल रहा है। अब यहां पर बात करते हैं वेरिएंट की, तो Redmi Note 11 Pro में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि 6GB के साथ 128GB और 8GB रैम के साथ 128GB मेमोरी ही देखने को मिलती है, जो कि आपको दोनों वेरिएंट में मेमोरी सेम ही देखने को मिलेगी, लेकिन रैम आपको चेंज देखने को मिलेगी, एक में आपको 6, एक में आपको 8GB रैम देखने को मिलेगी। जी हां, अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों Poco X4 की, जिसमें हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें 6GB रैम के साथ 128GB मेमोरी देखने को मिलती है और 8GB रैम के साथ आपको 256GB मेमोरी देखने को मिलेगी और दोनों स्मार्टफोन में आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो कि हमें दोनों स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब यहां पर बात करते हैं बैटरी की, जो कि हमें Redmi Note 11 Pro में 5000 mAh बैटरी के साथ हमें 67 वाट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि हमें बैटरी भी अच्छी दी गई और साथ में हमें फास्ट चार्जिंग के साथ इसकी बहुत ही ज्यादा पावर देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर बात कर लेते हैं Poco X4 Pro की, जिसमें हमें 5000 mAh बैटरी के साथ हमें 67 वाट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि हमें बैटरी और चार्जर हमें दोनों स्मार्टफोन में सेम ही देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो वो है Poco X4 Pro, जिसकी आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी और साथ में बैटरी के साथ आपको डिस्प्ले साइज भी, डिस्प्ले टाइप भी अच्छा दिया गया है, लेकिन उसमें क्या है कि हमें सुपर अमोलेड डिस्प्ले तो दिया गया, लेकिन हमें अगर चिपसेट इंप्रूव कर दिया जाता तो हमारे लिए वो बेस्ट रहता, लेकिन
आज की इस वीडियो में आपको जो मैंने आपको रिकमेंड किया है वो है पोको एक्स फोर प्रो। और इन दोनों स्मार्टफोन में से आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन आप बाय करना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आई है, कंपैरिजन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ को बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।